कॉर्बेट पार्क की तरह से ही अब राजा जी टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ाने की कवायद चल रही है। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बाघिन को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में छोड़ा है। ये बाघिन कॉर्बेट पार्क से लाई गई। राजा जी टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ाने की कवायद चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉर्बेट से लाई गई एक बाघिन को राजा जी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर वन रेंज के जंगल में रिलीज कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राजा जी नेशनल पार्क का ये इलाका पर्यटन हब बने, इसके लिए सरकार ने नई योजना बनाई है। ये मोतीचूर राजा जी नेशनल पार्क हमारा देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी जनपद और इस पूरे क्षेत्र में ऋषिकेश जो एक हमारा पर्यटन का बड़ा हब है, लोगों का बड़ी संख्या में आना जाना रहता है, उस क्षेत्र में भी पर्यटन बढ़े और लोग यहाँ भी इसको देखने आए, इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आए, तो इस उद्देश्य से मादा टाइगर को यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। और जो वन भूमि से संबंधित हमारे जो यहाँ की कुछ मांगे हैं, कुछ आवश्यकताएँ हैं, उनके संबंध में भी मैंने उनसे बात की है, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हर प्रकार से जो भी वन विभाग से जो भारत सरकार के स्तर पर जिनकी एनओसी मिलनी है, जिनको स्वीकृति प्राप्त होनी है, उन सबको स्वीकृति देंगे। राजा जी टाइगर रिजर्व अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ सफारी पर आने वाले सैलानी जंगल की खूबसूरती के साथ ही जंगली जीवों का दीदार करने की इच्छा रखते हैं। टाइगर रिजर्व में अभी हाथी, गुलदार, हिरन जैसे वन्य जीव हैं, मगर अब यहां बाघों की भी संख्या बढ़ाने की कोशिश हो रही है। कॉर्बेट से लाई गई बाघिन को रेडियो कॉलर लगाया गया है ताकि जंगल में उसकी मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। राजा जी पार्क के दक्षिण पश्चिम हिस्से में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए बीते कई सालों से कोशिशें चल रही हैं। इसके लिए जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजा जी पार्क के इस हिस्से में बाघिन और बाघिनों को शिफ्ट किया जा रहा है। इससे पहले एक बाघ और बाघिन को यहां शिफ्ट किया जा चुका है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखोला के साथ ऋषिकेश से प्रमोद नौटियाल की रिपोर्ट। खबर देहरादून से है। पूर्व आईएएस के आय से अधिक संपत्ति का मामला है। ईडी की रडार पर आईएएस रामविलास यादव। रामविलास यादव को कस्टडी में लेने की तैयारी की खबर मिल रही है। ईडी के अधिकारी देहरादून जेल पहुंचे हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने इन्हें पहले ही अरेस्ट किया था। काफी समय से देहरादून जेल में बंद है रामविलास यादव और अब ईडी के भी रडार पर ये हैं। आपको बताएं, विजिलेंस की टीम ने पहले ही तमाम खुलासे किए और अब खबर मिल रही है रामविलास यादव को कस्टडी में लेने की तैयारी में ईडी भी है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी का। अजीत जी, जरा समझाएं कि अब किस तरीके से और मुश्किलें बढ़ जाएंगी रामविलास यादव की। देखिए, ये विजिलेंस जांच में पहले ही बहुत चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं कि रामविलास पासवान ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी और विजिलेंस को जब ये जांच दी गई थी तब लोगों को ख्याल भी नहीं था कि इतनी संपत्ति रामविलास पासवान के पास होगी। एक दिन विजिलेंस ने रामविलास यादव को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया और अभी रामविलास यादव जेल में है। लेकिन आज जब ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची है और ईडी की टीम पहुंचने के बाद देहरादून जेल में उनसे पूछताछ करने गई, उनको इंटरोगेट किया है, तो अब ये माना जा रहा है कि ईडी की टीम अब उसको अपनी कस्टडी लेने की तैयारी कर रहे हैं। जो कानूनी एक प्रक्रिया होती है कि जेल में बंद किसी विचाराधीन कैदी को या किसी मुलजिम को किस तरह से दूसरी एजेंसी अपने इंटरोगेशन करने के लिए अपनी कस्टडी में ले सकती है, शायद वो प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो ईडी का यहाँ पर आना, तो यहाँ पर पूरी नौकरशाही में, यहाँ पूरे पोलिटिकल कॉरिडोर में एक हलचल मची हुई है, क्योंकि पहले यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ और चूंकि ईडी पहली बार किसी आईएएस को ट्रेस करने या उसको अपनी कस्टडी में लेने के लिए उत्तराखंड कारागार, देहरादून कारागार पहुंची है। और मुझे लगता है कि ये मामला और आगे जाएगा। जब रामविलास यादव की आय से अधिक संपत्ति का ब्यौरा विजिलेंस ने सामने रखा था तो तब उनकी एक साल की कमाई और एक साल में अर्जित की हुई धनराशि का भी एक खुलासा किया था जिसमें बहुत बड़ा अंतर था। तो इसी लिहाज से क्योंकि पैसे की कमाई बहुत हुई है तो ईडी अपने कस्टडी में लेकर उनसे और पूछताछ करना चाहती है। जी बिल्कुल, और इस मामले पर आगे और भी अपडेट के लिए नजर बनी रहेगी। देखते हैं ईडी की तरफ से क्या जानकारी सामने आ पाती है। अजीत जी, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
बड़ी खबर है, धारचूला में सड़क निर्माण के दौरान हादसे की खबर है। डामर मिक्सिंग मशीन की चपेट में एक मजदूर आया है और मशीन की चपेट में आने से मजदूर का हाथ कटा है। घायल मजदूर को धारचूला अस्पताल लाया गया, एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया है। मिक्सिंग मशीन के जद में आने से मजदूर का हाथ कटा कंस्ट्रक्शन के दौरान, और ऐसे में अब एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया है। देहरादून में भाजपा की कार्य समिति की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा पार्टी के सांसद, मंत्री और तमाम पदाधिकारी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी के आगामी चुनाव कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महासंपर्क अभियान को लेकर के मंथन हुआ है। 30 मई से भाजपा का महासंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है। एक महीने तक चलने वाले भाजपा के इस महासंपर्क अभियान में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। केंद्र सरकार के 10वें वर्ष में प्रवेश का जो तिथि है 30 मई से लेकर 30 जून तक के कार्यक्रम, जो जनसंपर्क के कार्यक्रम है, प्रदेश के ऐसे वरिष्ठतम नागरिकों से संपर्क के कार्यक्रम है और विकास की योजनाएं घर घर तक पहुंचे, हमारे केंद्र सरकार के प्रदेश सरकार विकास योजना हो, उसके लिए कार्य योजना हमने तैयार की है। उसका व्यापक स्वरूप इस बैठक में तय हुआ है और मैं कह सकता हूँ कि आगामी दिनों के अंदर पूरा माह, जिसमें हम लोग वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भेंट का विषय हो और लाभार्थियों के सम्मेलन का विषय हो, युवाओं के द्वारा युवाओं संपर्क का विषय हो, महिलाओं के अनेकों जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने आशा बहनें, आंगनवाड़ी बहनें, ऐसे उन सब के बीच में जाकर हम केंद्र और प्रदेश सरकार को बताने, आम सुविधाएं थी, उन सुविधाओं से जो लोग दूर थे जिनको आवश्यकता थी, ये सारे के सारे काम पिछले 9 सालों में हर वर्ग के लिए केंद्र की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया है, वो सारे के सारे काम आज जन जन तक पहुंचकर जन जन की खुशहाली, देश की खुशहाली का कारण बन रहे हैं, प्रदेश की खुशहाली का कारण बन रहे हैं। 1 से लेकर 20 तक तो जनसभाएं होंगे, हर स्तर पे होगी, व्यापारियों की, दाएं बाएं बुद्धिजीवियों की होगी। 20 से लेकर 30 तक का डोर टू डोर संपर्क होगा, जिसमें हम विधायक का किए हुए कार्य, सांसद द्वारा किए गए कार्य, राज्य सरकार किए हुए कार्य, लोकसभा द्वारा किए गए सभी कार्यों को जनता के बीच में लेके जाएंगे। जोशीमठ से खबर है, आज से शुरू हुई है हेमकुंड साहिब की यात्रा। सुबह 10:30 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए गए। पहले जत्थे के श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में अरदास भी किया है। हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर के तीर्थ यात्रियों में उत्साह है, लेकिन अभी 60 साल से ज्यादा उम्र के यात्रियों को आने पर पाबंदी लगाई गई है। तो देखिए, जब कपाट खुले तो किस तरीके का उत्साह था। ये पहला जत्था है श्रद्धालुओं का जो अरदास के लिए मौजूद रहा। 10:30 बजे तय मुहूर्त पर हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए गए। हेमकुंड पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए ये लम्हा बेहद खास है। काफी इंतजार के बाद ये शुभ घड़ी आई है, इसलिए तीर्थ यात्रियों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। तीर्थ यात्रियों ने जैसे ही गुरुद्वारे में अरदास लगाई, मानो उनकी रास्ते की पूरी थकान दूर हो गई। यात्रा मार्ग पर जमी बर्फ के कारण फिलहाल 60 साल से ज्यादा उम्र के श्रद्धालुओं और बच्चों को यात्रा पर आने की इजाजत नहीं है। एक दिन में सिर्फ 2,500 तीर्थ यात्रियों को हेमकुंड साहिब जाने के लिए इजाजत है। ठंड की वजह से यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों को गर्म पानी मिलेगा। इसके साथ ही घोड़ा खच्चरों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। हेमकुंड साहिब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये सिख धर्म के लोगों का सबसे ऊंचा तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने साधना की थी, इसलिए ये स्थान सिख धर्म के लोगों के लिए पवित्र है। हेमकुंड साहिब में फिलहाल काफी बर्फ जमी हुई है। पैदल मार्ग पर भी काफी बर्फ जमी हुई है, इसलिए ये बर्फ काट कर आवाजाही लायक रास्ता तैयार किया गया है। जाहिर है, जब तक ये पूरी बर्फ नहीं पिघलती, तीर्थ यात्रियों को आवाजाही में दिक्कत हो सकती है, साथ ही ठंड का भी सामना करना पड़ेगा। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रंजीत रावत की रिपोर्ट।
आगे बढ़ते हैं। उधर रामनगर में भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई का विरोध हो रहा है। दरअसल वन विभाग ने पीपुटली, कालू सैयद और नई बस्ती में अतिक्रमण को चिन्हित किया, जिसे लेकर के गुरुवार को विभाग ने क्षेत्र में मुनादी कराई, मगर ग्रामीण प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में उतर ग्रामीणों ने तराई पश्चिम वन प्रभाग के DFO ऑफिस के बाहर पहुंच करके जिस तरीके से हंगामा किया उसी का फुटेज आपके सामने। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।